हेलो सॉरी, नेट डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ा रोकना पड़ा। तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं एनआरसी के बारे में, जो कि कुछ ही दिनों पहले असम, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, असम में 40 लाख घुसपैठिया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट की वजह से 40 लाख घुसपैठिया, जो जिसके पास भारत का सही नागरिक होने का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और 40 लाख घुसपैठिया पकड़ा गया है। और इसी एनआरसी को लेकर आज सारा देश में एक बहस छिड़ी हुई है, और ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन के उभर के आ रहा है। तो हम भी त्रिपुरा का नागरिक, जो कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से सबसे बड़ा विक्टिम है भारत में, अगर सबसे बड़ा कोई भी राज्य विक्टिम है इलीगल माइग्रेशन की वजह से, बांग्लादेशियों की वजह से, तो वो त्रिपुरा स्टेट है। तो ये त्रिपुरा स्टेट का नागरिक होने की वजह से, और एक भारत का नागरिक होने की वजह से, और TDSSM त्रिपुरा दफन शिकला सुरंगनाई मथा की कन्वेनर होने की वजह से, मैं आज एनआरसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि किसी भी देश में जो दूसरा देश से इलीगल तरीके से माइग्रेट होगा या घुसपैठिया आएगा, वो किसी भी देश के लिए खतरनाक है। तो इसीलिए किसी भी देश में इलीगल माइग्रेंट्स को कोई भी जगह नहीं देता। लेकिन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे घुसपैठिया के कारण बहुत सारे स्टेट्स की जो इंडिजिनस पीपल्स था, वहाँ का जो नागरिक था, उन लोगों का हक छीन चुके हैं। तो इसी वजह से आज एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, करवाना पड़ रहा है असम में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1971 25 मार्च में बांग्लादेश बना था इंडिया का मदद से, और उस वक्त में इंदिरा मुजीब पैक्ट के तहत जो भी 1971 25 मार्च की रात 12 बजे के बाद जो भी इंडिया में आएगा बांग्लादेश से, या इंडिया में बांग्लादेश से जाएगा, वो बांग्लादेश में इलीगल माइग्रेंट, और इंडिया में जो बांग्लादेशी आएगा वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, घुसपैठिया माना जाएगा। ये उसी वक्त में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक साइन हुआ था, डीलिंग साइन हुआ था। लेकिन बहुत दुखद जनक तरीके से हम लोगों को पता चला है कि 1971 25 मार्च की बात, बहुत सारे घुसपैठिया आए हैं भारत में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। और आज हम लोग को पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो घुसपैठिया आया है वो वेस्ट बंगाल में आया है, 70 लाख, वो बहुत बड़ा स्टेट से, और असम में 3.5 लाख आया है, थर्ड पोजीशन में। लेकिन एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा में 14.5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज, शरणार्थी 1971 25 मार्च की बात में आया है। ये एक न्यूज़ मीडिया में भी दिखाया गया है, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया, और ये डाटाबेस है, और ये बहुत पहले से त्रिपुरा वासियों का भी मांग है, इलीगल माइग्रेंट्स को फिर से उन लोगों का देश में वापस भेजा जाए, पोस्ट बैक किया जाए। लेकिन उसको लेकर बहुत दिनों तक वोट बैंक का राजनीति हो रहा है, और इसी वोट बैंक का राजनीति की वजह से आज त्रिपुरा टोटली इलीगल माइग्रेंट्स से भर गया है, और इलीगल माइग्रेंट्स ही त्रिपुरा का जो सरकार है वो चला रहा है। तो आज हम लोग त्रिपुरा के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि 1949 15 अक्टूबर में त्रिपुरा इंडिया के साथ मर्ज होने के बाद, त्रिपुरा में पहले का जो सेंसस था 1941 51 का, तब त्रिपुरा का जो मूल आदिवासी था, जो त्रिपुरी जनजाति था, वो त्रिपुरा में ज़्यादा था, उन लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, और जो बांग्लादेशी था उसका परसेंटेज बहुत कम था। लेकिन 1951 61 71 जितना भी सेंसस होते गया, आगे बढ़ते गया, उतना ही यहाँ का जो
मूल आदिवासी है उन लोगों का परसेंटेज गिरते चला गया, और आज हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपुरा में ही त्रिपुरी लोगों का माइनॉरिटी बनना और त्रिपुरा में ही बांग्लादेशियों का रूल करना, ये आज हम लोग देखना पड़ रहा है। तो और आज इसी वक्त में हम लोग कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का बयान आया था, उसके बाद राजनाथ सिंह का बयान आया था, उसके बाद अमित शाह जो कि भारत का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट का भी बयान आया है राज्यसभा में मीडिया में, और उसके बाद कुछ विधायक टी राजा जो तेलंगाना से आता है उसका भी बयान आया है, बहुत सारे लीडर्स का बयान आया है। तो उस बयानों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उस बयानों को 100% सपोर्ट करते हैं। टी राजा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, तेलंगाना का जो एमएलए है विधायक है उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया कि जो दूसरा देश से इलीगल माइग्रेंट्स भारत में घुसेगा, जो घुसपैठिया है उन लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनका देश में वापस भेजा जाए, वो नेशनल सिक्योरिटी और देश का खती करते हैं, वो कीड़ा मकोड़े के समान है, और उन लोगों को अगर बाहर नहीं भेज सकता, अगर वो लोग बाहर नहीं जाना सकता तो उन लोगों को गोली करके मार दिया जाए, ये डायरेक्ट बीजेपी के एमएलए तेलंगाना के एमएलए ने बताया है। और इलीगल माइग्रेंट्स को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाला है, ये डायरेक्ट राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट है उन्होंने ये डायरेक्टली बता दिया है। लेकिन जो त्रिपुरा भारत का एक छोटा सा राज्य और सबसे बड़ा विक्टिम है इलीगल माइग्रेंट्स के कारण, उसके बारे में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, अभी तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम त्रिपुरा है, असम से भी ज़्यादा विक्टिम त्रिपुरा है। लेकिन अमित शाह जी अगर असम से 40 लाख आइडेंटिफाइड करके बाहर पुशबैक कर सकते हैं तो त्रिपुरा से भी पुशबैक करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा भी भारत का ही एक अंगराज्य है और त्रिपुरा का दायित्व पूरा पूरी भारत सरकार को ही लेना पड़ेगा। और जो असम एकॉर्ड का बात बताया जा रहा है 1985 में जो असम एकॉर्ड राजीव गांधी और आसो और असम गण परिषद के बीच में जो एकॉर्ड हुआ था उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है ये अमित शाह ने बताया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, त्रिपुरा में भी बहुत सालों तक हम लोग झेलते आ रहे हैं, अभी भी झेल रहा है, झेलना पड़ रहा है, पूरी ही हम लोगों का जाति ख़त्म होने जा रहा है। और 1988 में राजीव गांधी और टीएनबी बिजरांगखोल के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ था, इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाइड करने की बात कहा गया था, और दूसरा एकॉर्ड त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट एंड एटीटीएफ 1993 एकॉर्ड, उसमें 2 पैरा बी में कहा गया था कि एक्शन इज टेकन अगेंस्ट फॉरेन नेशनल्स, एक्शन वुड बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग बैक ऑल बांग्लादेश फॉरेन नेशनल्स हु हैव कम टू त्रिपुरा आफ्टर 25 मार्च 1971 एंड आर नॉट इन पोसेशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइजिंग देयर प्रेजेंस इन त्रिपुरा। मैं फिर से ये पढ़ रहा हूँ जो कि ATTF और त्रिपुरा गवर्नमेंट की बीच में 1993 में एकॉर्ड साइन हुआ था, उसमें डायरेक्टली बताया गया है, सब शब्दों में बताया गया है कि एक्शन इज टेकन अगेंस्ट फॉरेन नेशनल्स, एक्शन वुड बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग बैक ऑल बांग्लादेश फॉरेन नेशनल्स हु हैव कम टू त्रिपुरा आफ्टर 25 मार्च 1971 एंड आर नॉट इन पोसेशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइज देयर प्रेजेंस इन त्रिपुरा। ये साइन हुआ था श्री ललित देव वर्मा, उस वक्त के प्रेसिडेंट ATTF, और वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेंद्र रियांग, वाइस प्रेसिडेंट ATTF, और दूसरी तरफ है एम दामोदरन चीफ सेक्रेटरिएट गॉप ऑफ त्रिपुरा इन द प्रेजेंस ऑफ श्री बैद्यनाथ मजुमदार मिनिस्टर ऑफ PWD एंड एक्सेट्रा, चीफ मिनिस्टर दशरथ देव गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये एकॉर्ड त्रिपुरा में साइन हुआ था लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो
ये भी एक जो एग्रीमेंट है, जो एकॉर्ड है, उसका वायोलेशन है। इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये एग्रीमेंट का वायोलेशन है। तो ये एकॉर्ड ऑलरेडी साइन हो चुका है त्रिपुरा में भी, तो असम में जो एकॉर्ड साइन हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो त्रिपुरा में जो एकॉर्ड साइन हुआ है वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बीजेपी को इस बारे में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मैं क्यों डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि सभी बीजेपी का लीडर्स ने इलीगल माइग्रेशन का विरोध में आवाज़ उठाया है और सख्त तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भेजने के लिए बोला है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सभी लोगों ने इसको इलीगल माइग्रेशंस को बाहर भेजने के लिए सख्त तरीके से कदम उठाए, इसका मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा का सीएम बिप्लब कुमार देब ने एक तरीके से जो एनआरसी त्रिपुरा में कुछ ज़रूरत नहीं है, त्रिपुरा में एनआरसी का कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ये एक बहुत ही बचपना तरीके से एक बयान दिया है। मैं उसका विरोध करता हूँ और इसी वजह से मैं बीजेपी को डबल स्टैंडर्ड बोलने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ। और एक चीज़, बिप्लब कुमार देब जो त्रिपुरा का अभी का सीएम है, जिन्होंने बताया है कि त्रिपुरा में सभी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है और कोई भी इलीगल माइग्रेशन नहीं हुआ है त्रिपुरा में, लेकिन डाटा जो बता रहा है, जो नेशनल मीडिया हाईलाइट्स कर रहा है कि त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स के कारण त्रिपुरा का लोग झेले है, और त्रिपुरा में जो रूल कर रहा है वो भी इलीगल माइग्रेंट्स हो के जो आया है उसी लोग त्रिपुरा में, अभी त्रिपुरा का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको रूल कर रहा है। और इसी बात को मैं पकड़ते हुए मैं बोल रहा हूँ कि बिप्लब देब, जिसका जन्म हुआ था 25 नवंबर 1971 में, लेकिन इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान का जो पैक है उसमें, वो जो पैक है उसमें बोला गया है कि 1971 25 मार्च की बात रात 12 बजे की बात जो भी आया है वो इलीगल माइग्रेंट्स है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे बंगाली हो, कुछ भी हो, वो इलीगल माइग्रेंट्स है, उसको पुश बैक किया जाएगा। लेकिन बिप्लब देब खुद ही 25 नवंबर 1971 में त्रिपुरा में जन्म लिया है, और उससे पहले वो लोग कब बांग्लादेश छोड़ के त्रिपुरा में आए हैं उसका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इस आधार पर बिप्लब देब भी बांग्लादेशी है, इस आधार पर बिप्लब देब को रिज़ाइन करना चाहिए सीएम पद से, और इस आधार पर बिप्लब देब को सीएम पद से रिज़ाइन करना चाहिए, और वो रिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उसको रिज़ाइन करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी बांग्लादेश है, वो खुद बांग्लादेशी है, तो वो कभी भी एनआरसी त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि एनआरसी अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो हो त्रिपुरा में हुआ तो खुद बिप्लब देब भी इलीगल माइग्रेंट साबित हो जाएगा। तो इसी वजह से, इसी डर के कारण से बिप्लब देब ने आज एनआरसी त्रिपुरा में नहीं चाहिए ये बताया है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ और सभी इलीगल माइग्रेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी त्रिपुरा में इलीगल माइग्रेंट्स के कारण त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन रेशियो, त्रिपुरा का जो इलीगल माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी और त्रिपुरा का जो नेटिव पीपल्स है उसके बीच में जो रेशियो, वो दिन ब दिन बहुत अचानक तरीका से बहुत उसमें बढ़ोतरी और कमती हुए हैं। जो लोग 1941 में सेंसस में 90% था यहाँ का जो नेटिव पीपल्स, वो लोग अभी 26% में आ चुके हैं, और जो यहाँ का 10% था वो 2011 का सेंसस में 70% से अबव इंक्रीज हो चुका है। तो ये किसी पेट से तो इतने ज़्यादा जन्म नहीं ले सकता, सभी बांग्लादेश से ही ये लोग जन्म लिया है, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ये सब इलीगल माइग्रेंट्स है, और जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको त्रिपुरा से बाहर भेजना पड़ेगा, और इसका कारण हम लोग बहुत यहाँ पे तकलीफ झेल रहा है, और ये इंडिया का जो इंटरेस्ट है और इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर भी बहुत बड़ा चुनौती है, और
इसी कारण से त्रिपुरा में बहुत सारे इंसर्जेंसीज हुए हैं और उसी इंसर्जेंसी और उसी ग्रुप लोगों के साथ दो दो बार इंडिया गवर्नमेंट, राजीव गांधी और TNB के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ था 1988 में। उसमें भी इलीगल माइग्रेशन को पुश बैक करने के लिए कहा गया था। और 1993 में जिसमें परिष्कार शब्द में, क्लियर एंड कप शब्द में कहा गया है, एक्शन इज टेकन अगेंस्ट फॉरेन नेशनल्स, एक्शन वुड बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग बैक ऑल बांग्लादेश फॉरेन नेशनल्स हु हैव कम टू त्रिपुरा आफ्टर 25 मार्च 1971 एंड आर नॉट इन पोसेशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइज देयर प्रेजेंस इन त्रिपुरा। पूरे क्लियर एंड कप शब्द में ATTF और त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का 1993 एकॉर्ड्स में भी कहा गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हुआ है। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो यह भारतवर्ष का, इंडियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट का, एक एकॉर्ड्स का एक वायोलेशन है। और इसी वजह से मेरा सारा भारतवासियों से दरख्वास्त है और इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जल्द से जल्द जो इलीगल माइग्रेंट, इलीगल बांग्लादेशी जो विप्लव देव है, जो 1971 25 मार्च के बाद त्रिपुरा में जन्म लिया है, उसका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाए और उसको तुरंत CM पद से हटाया जाए और त्रिपुरा में NRC लागू किया जाए। NRC के तहत त्रिपुरा में जो वैलिड है वो इंडिया में रहेगा, वो जो नॉन वैलिड है, जो बांग्लादेश से आया है, जहाँ से भी आया है, जो भी इलीगल आया है, चाइना से आया हो, कहे चाहे अफगानिस्तान से आया हो, जहाँ से भी आया है, जो इलीगल है उसको वापस भेजा जाए। अगर मैं इलीगल हो मुझे भी वापस भेजा जाए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में। अगर असम से भेजा जा सकता है, अगर वेस्ट बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स को पुश बैक करने के लिए आवाज़ उठाया जा सकता है, तो त्रिपुरा में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि त्रिपुरा का जितना भी जनजातीय BJP का MLS है, जितना भी लीडर्स है, वो लोग NRC के बारे में आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जितना भी, भारत का जितना भी BJP का लीडर्स है, वो NRC का पक्ष में है। तो त्रिपुरा में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए BJP लीडर्स को, और IPFT लीडर्स को भी उसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। और जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उन लोगों को वापस भेजना चाहिए, और इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम लोग को अभी एकजुट होना चाहिए। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, यही मेरा दरख्वास्त है सभी को। और दूसरा चीज़, हम लोगों को मालूम है सभी अपना देश, अपना ज़मीन से प्यार करते हैं, सभी अपना परिवार से प्यार करते हैं। तो अगर असम का असमीस लोग उनका हक के लिए इंडिया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, अगर वेस्ट बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर मणिपुर में उसके खिलाफ़ एक्ट बनाया जा सकता है, तो त्रिपुरा, जिसमें त्रिपुरा का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 15 लाख था 1971 में, उसमें 14.5 लाख घुसपैठिया रिफ्यूजी कैंप्स में घुसपैठिया आया था और वो त्रिपुरा का वोटर्स बन के रह गया है। और अभी वो लोग त्रिपुरा का और इंडिया का जो संसाधन है उसके ऊपर वो लोग व्यवहार करके, वो लोग त्रिपुरा का जो मूल आदिवासी है, जो भारत का मूल आदिवासी है, उन लोगों को अभी दबाया जा रहा है। तो इसी वजह से त्रिपुरा से विदेशियों को हटाने के लिए असम की तरह त्रिपुरा में NRC लागू किया जाए, और NRC लागू करने के लिए जो एकॉर्ड साइन हुआ था उसको ध्यान में रखा जाए। हम लोग 1949 15 अक्टूबर जो कट ऑफ डेट है उसको पकड़ के हम लोग